एक तरफ भारत सरकार वृद्धा पेंशन योजना बनाई है ताकि वृद्ध जनों का भरण पोषण अच्छी तरह से हो सके, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि जौनपुर जिले के रामनगर ब्लॉक के बुद्धिपुर गांव में श्रीमती दुलारी देवी सहित 12 लोगों का वृद्धा पेंशन न मिलने से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपका पेंशन बना हम अब इस समय मिला था कि ना है? ना। कितना दिन से बंद है? तो ये दाई तो मिल गई क्या? कितना दिन से बंद है? ना यावा था पैसे हमारे। कितना दिन से बंद बा? 4 साल से हो गया। बहुत समय से खराब। आपका खर्च कैसे चला था? अरे मुसीबत से चला था, मिलत दवा दारू चलत यहाँ पर प्रधान के यहाँ बातचीत करे प्रधान ब्लॉक पर तो ना ही बातचीत करे बोला ना ही कुछ बातचीत करें तो कहा बताए। आपका पेंशन आवत है कि ना है? आवत रहा, बंद हो गया। कितना दिन से बंद है? अरे करीबन 4 साल से बंद है। बंद भाई के बाद आप प्रधान से या ब्लॉक पर कहीं गा रहे हैं क्यों से? हम प्रधान से कह रहे ब्लॉक पर ना गए रहे। तो का कहें प्रधान? प्रधान का हम लगावत है, हम भेज देते ही अब तक भेजते हैं। मैं चाहती हूँ इन सभी वृद्ध जनों का वृद्धा पेंशन मिलने लगे ताकि इनकी समस्या दूर हो सके। वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि समाज कल्याण विभाग अधिकारी के मोबाइल नंबर 9415163307 पर कॉल करके दबाव बनाएं ताकि इनका वृद्धा पेंशन मिलने लगे। मैं उषा पटेल, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।